dear modern stars today i will teach you i will explain rest topic of chapter 9 chapter name is mughal empire so student open page number 57 and watch and understand this pic okay this is about jama masjid स्टूडेंट्स जामा मस्जिद नियर द रेड फोर्ट इन दहली वॉज विल्टई शाहजहाँ इन सेवनटीन सेंचुरी सी ई मस्जिद जो कि रेड फोर्ट दिल्ली रेड फोर्ट दिल्ली में रेड फोर्ट के पास है जामा मस्जिद रेड फोर्ट के पास है दिल्ली में जिसको किसने बनवाया था वॉज विल्टई शाहजहाँ शाहजहाँ ने इसको बनवाया था कब बनवाया था वेन सेवनटीन सेंचुरी में यानी कि जामा मस्जिद जो नियर है रेड फोर्ट दिल्ली में उसको शाहजहां ने 17 सेंचुरी में उस उसका कंस्ट्रक्शन वर उसको बिल्ड करवाया था उसको बनवाया था इट्स कंस्ट्रक्शन बिगन इन 1644 इट मींस इसका कंस्ट्रक्शन इट मींस इसका कंस्ट्रक्शन uh, जो है uh, बनने जो बनना स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1644 में एंड इट वाज कम्प्लीटिड और ये कम्प्लीट हुआ था 1650 में व्हाट व्हाट जामा मस्जिद ओके okay? किसकी बात हो रही है जामा मस्जिद की हो रही है इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया विथ अ कोर्ट यार्ड कैपेबल ऑफ़ होल्डिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पीपल एट अ टाइम यानी कि इसमें एक बहुत बड़ा कोर्ट यार्ड है आंगन है जो कि कैपेबल है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पीपल जो है एक टाइम पर वहाँ पर यानी कि कैपेबल है होल्ड करने के लिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पीपल जो है वहाँ पर कलेक्ट हो सकते हैं ओके दिस मॉस्क इज विल्टेड सेंडो स्टोन ओके यानी कि ये मस्जिद जो है किससे बनी हुई है रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है विद इन लेड इन फाउंडेशन है इसकी जड़ है वाइट मार्बल, जो कि किसकी है वाइट मार्बल की है इट वॉज विल्ड ऑन रेज प्लेटफॉर्म और ये जो है कहाँ पर ले उठा हुआ जो उसका प्लेटफॉर्म है वो कैसा है रेज्ड है विद फ्लाइट ऑफ स्टेयर लीडिंग ऑन टू इट और किसके साथ है फ्लाइट ऑफ स्टेयर जो सीढ़ी हैं लीडिंग ऑन ऑन टू इट नेक्स्ट दस प्रेयर हॉल और इसमें क्या है एक स्पेसियस प्रेयर हॉल है जिसमें कि इलेवन आर्कस हैं ओके यानी कि इलेवन आर्कस हैं इलेवन देखिए गेट जैसे इस तरह से बने होते हैं जैसे वन टू थ्री फोर जो ये बना हुआ इस तरह से ये राउंडेड ये, ये, ये क्या है, इसको तो से है इसमें. जामा okay? और ये किसकी है जामा मस्जिद की है और ये जो है इंडिया में बहुत बड़ा बहुत जो है काफी बहुत सुंदर बहुत जो बिगेस्ट मॉस्क है भारत में जिसमें कैपेबल है ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पीपल को होल्ड कर सकती है यानी कि वहां पर कलेक्ट हो सकते हो सकते हैं और ये इबादत यानी कि प्रेयर इनकी पूजा करने का एक स्थल है इस्लाम एक स्थल है इबादत का एक स्थल है जिसमें कि इलेवन ओके नेक्स्ट मोनूमेंट रेड फोर्ट ओके जामा मस्जिद मॉस्क है जो कि पवित्र स्थल है और दिस इज अबाउट दिस अबाउट रेड फोर्ट ओके रेड फोर्ट जो है वो एक मोनूमेंट है रेड फोर्ट वॉज बिल्ट शाहजहा रेड फोर्ट भी शाहजहा ने बनवाया था वेन ही डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दहली जब उन्होंने ये निश्चित किया कि हम अपनी कैपिटल अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कर देंगे यानी कि स्थानांतरित कर देंगे वहाँ पर दिल्ली को कैपिटल बना देंगे ही विगेन इट्स कंस्ट्रक्शन तब उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करवाया था सिक्सटीन थर्टी नाइन में एंड कम्पलीटेड हुआ था सिक्सटीन फोर्टी एट में द बिल्डिंग ऑफ रेड फोर्ट वॉज सुपरवाइज वाई शाहजहाँ हिमसैर उन्होंने कि इसका सुपरविजन खुद से किया था ओके okay? नेक्स्ट इट इज़ सेड दैट अ सम ऑफ अबाउट वन करोड़ रुपीज़ ये कहा जाता है कि इसके कंस्ट्रक्शन वर वॉज स्पेंट इन दोज डेज टू बिल्ड दिस फोर्ट यानी कि इस क्ले को रेड फोर्ट को बनने में इस मोनूमेंट को बनने में कहा जाता है कि वन करोड़ रुपीज के जो आसपास जो है मनी जो, जो है इसमें स्पेंट इस हुआ था वैसे well, इसमें लगा था रुपीज जो है इसमें स्पेंट हुआ था ओके द रेड फोर्ट इज बिल्ट ऑफ रेड सैंड स्टोन ओके रेड फोर्ट जो है वो किससे बना हुआ है रेड सैंड स्टोन से एंड मार्बल मार्बल लेकिन मार्बल कहाँ पर यूज हुआ है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना यमुना नदी के किनारे ओके द फोर्ट इज यानी कि जो ये किला है रेड फोर्ट क्या है किला है ना इज इन द फॉर्म ऑफ एन इरेगुलर ऑक्टागन ऑक्टागन यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, ऑक्टागन इसमें एट uh, एंगल होते हैं ओके okay? जैसे जो भी बनता है ऑक्टागन तो इरेगुलर इसमें ऑक्टागन है विद स्ट्रॉन्ग फोर्टी फाइव वॉल्स और इस किले में वॉल्स है दीवाले हैं ओके ऑक्टागन इरेगुलर ऑक्टागन विद स्ट्रॉन्ग फोर्टी फाइव वॉल्स फोर्टी इस किले की जो दिवाले हैं दिवालों के साथ ही बना हुआ है सम ऑफ द प्रोमिनट बिल्डिंग्स और कुछ इसमें प्रसिद्ध जो है बिल्डिंग्स हैं इन दिस फोर्ट इस किले में और वो बिल्डिंग्स के नेम क्या है दीवान ए आम ओके जो कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस है यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को जो बादशाह हैं जो रूलर हैं उनके साथ शेयर करते हैं ओके नेक्स्ट है, okay? है दीवान खास ये वो प्लेस है हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस यहाँ पर जो ऑफिसियल पीपल है ऑफिसियल पब्लिक है जो uh, मुगल एम्पायर में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं तो वो लोग यहां पर कलेक्ट होते हैं नेक्स्ट है मिनट ओके नेक्स्ट द रंग महल प्रिंटेड पैलेस ओके यानी कि रंग महल जो है वो प्रिंटेड पैलेस है मोस्ट ऑफ दीज बिल्डिंग्स यानी कि मोस्ट ऑफ दोस्टली इस क्ले की जो बिल्डिंग्स हैं आर डेकोरेटेड विद प्योर व्हाइट मार्वल अधिकतर जो बिल्डिंग्स है वो प्योर वाइट मार्वल की बनी हुई है वर ओरिजनली इनलेट विद प्रेसियस स्टोन ओके और ओरिजिनली जो है इसमें इनलेट जो है इसमें प्रेसियस स्टोन्स के का यूज हुआ है ओके द फोर्ट वॉज पार्ट ऑफ सिटी ऑफ शाहजाना बात ओके जो ये किला है द फोर्ट ये पार्ट है किसका सिटी ऑफ शाहजहानाबाद विच ऑरिजिनली जो कि ओरिजिन हुआ था डेवलप हुआ था हेड विच ओरिजिनली यानी कि नॉट ओरिजिनल हुआ था विच ऑरिजनली हैड फोर्टीन गेट्स यानी कि इस किले में फोर्टीन गेट्स हैं फोर्टीन गेट्स हैं दरवाजे हैं सम ऑफ विच डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर यानी कि Uh, कुछ के अलावा सारे uh, जितने भी गेट्स uh, हैं उन सबसे एडजस्ट नहीं हुआ जाता है द लाहौरी गेट एंड द दहली गेट यानी लाहौरी और दहली गेट है जो कि वर यूज फॉर सैरमनियल इंट्रीज एंड एग्जिस्ट जो कि एंट्री और एग्जिस्ट के लिए यूज होता है एंड वर ऑल्सो यूज बाई जनरल पब्लिक यानी कि जो कॉमन पीपल हैं जनरल पब्लिक है उनके थ्रू लाहौरी गेट एंड दहली गेट यूज़ किया जाता है वो भी सैरमनियल इंट्रीज यहाँ से होती है डिपेंडेंस इट मींस स्वतंत्रता से लेकर के फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन से लेकर के सीन सींस इंडिपेंडेंस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं अनफॉल्स करते हैं किस को द नेशनल फ्लैग को फ्रॉम द राम राम पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे किस दिन यानी कि एवरी प्रत्येक जो स्वतंत्रता दिवस होता है वहां पर रेड फोर्ट पर जो है वो झंडे को क्या करते हैं झंडा मतलब यानी कि फहराते हैं झंडे को फहराते हैं ओके द रेड फोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इन दिल्ली ये रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली का ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स है बिल्डिंग है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इस इट्स वास्टनेस इसकी व्यापकता सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इम्पोजिंग इस्ट्रक्चर यानी कि इसकी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर और मैग्नीफिकस इसकी जो मैग्नीफिकेंस मतलब इसमें जो शानदार जो है इट्स एक्जीक्यूशन रिफ्लेक्ट द ग्रेंडियर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर यानी कि ये इस चीज़ को शो करता है कि कितना शानदार होता था मुग़ल एम्पायर का मुगल्स का आर्किटेक्चर ओके जो अपने आप में कावले तारीफ है देखिए ये पिक्चर जो दी गई है ये रेड फोर्ट की है ओके नेक्स्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री दिस इज अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री मीस राजनीतिक इतिहास ओके दिस इज अबाउट द रूलर ऑफ बाबर द रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर यानी कि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इस बुक में दिया गया है जो मुगल रूलर हुआ करते थे ओके लाइक बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब एंड लेटर मुगल एम्प्रायर लेटर मुगल रूलर सो स्टूडेंट्स दिस स्टोरी इट मीनस दिस कंटेंट्स इज रिलेटेड टू मुगल्स एम्प्रर ओके okay, मुगल्स एम्प्रर के बारे में सो फर्स्ट अबाउट बाबर ओके फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी सी बाबर वाज अ डिसेंटेंट ऑफ तिमूर ऑन हिज फादर साइड यानी कि बाबर जो है अपने पिता की तरफ से तिमूर की फैमिली से तिमूर के ख़ानदान से जो है बिलोंग करते थे ऑफ चंगेज़ खान ऑन हिज मदर्स और अपनी माँ के साइड से वो चंगेज की फैमिली से थे द मुगल्स वर सो प्राउड ऑफ देयर कनेक्शंस द मुगल्स वर सो प्राउड ऑफ देयर कनेक्शंस यानी कि मुगल्स के जो मुग़ल अपने आप में गर्व फील करते थे अपने आप में अपने आप को मतलब अपने आप में गर्व फील करते थे कि क्या कि विद तिमूर की उनका कनेक्शन जो है उनकी कनेक्टिविटी यानी कि वो तिमूर फैमिली से हैं दैट दे कॉल्ड देमसेल्फ़ सेल्फ तिमूरिट इसलिए वो खुद को अपने आप को तिमूरिट्स कहते थे बावर इनहेरिटेड द एसेस्ट्रल किंगडम ऑफ फरगना इन नाइनटीन नो फरगना इन फोर्टीन नाइन्टी फोर सी ई ऑन द डेथ ऑफ डेथ ऑफ हिस फादर ओके यानी कि बाबर जो है उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद फोर्टीन नाइन्टी फोर से फरगना किंगडम जो है वो इसके रूलर बन गए थे और उसका जो सारा वर्क था एडमिनिस्ट्रेशन का वो बाबर के हाथ में आ गया था और इनके फादर का नेम क्या था उमर शेख मिर्जा ओके डेथ ऑफ़ हिज फादर उमर शेख मिर्जा हाउ एवर ड्यू टू हिज प्रेसियस सॉरी प्री कैरियस पोजिशन इन सेंट्रल एशिया ही इन्वाइडेड इंडिया फाइव टाइम्स यानी कि सेंट्रल एशिया में उनकी एक प्री कैरियस पोजिशन होने के बावजूद भी बाबर ने भारत पर फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स आक्रमण किया द फर्स्ट रियल एक्सपेडिशंस वॉज इन 1519 नाइनटीन सबसे पहला जो इन्वेड किया था जो सबसे फर्स्ट इन्वेडेड इन्वेट किया था उन्होंने भारत पर वो 1519 नाइनटी में uh, किया था वेन ही कैप्चर्ड वेरा एंड फिफ्थ वाज ही डिफीटेड ऑफ इब्राहिम लोदी ओके यानी कि फिफ्थ जो है उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था बैटल ऑफ पानीपत इन अप्रैल फिफ्टीन ट्वेंटी एंड आफ्टर डिफीटिंग इट मीन्स इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी के हारने के बाद वाबर एस्टेब्लिस्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया स्टूडेंट्स रेस्ट टॉपिक रेस्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन टूमोरो सो स्टूडेंट्स इट्स इनअ फॉर टूडे एंड टेक केयर योर सेल्फ